सुप्रभातम बच्चों, आज हम तीसरी कक्षा के व्याकरण भाग को करेंगे, जिसमें हम बच्चों आज दीपावली निबंध की रिवीजन को करेंगे। तो बच्चों, दीपावली निबंध को आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं कि दीपावली के त्यौहार में क्या क्या किया जाता है। ये प्रमुख त्यौहार है, ठीक है, इसमें प्रकाश मान होता है, ठीक है। तो जिस प्रकार के भी जो खान पान हो गए आपके, ठीक है, घरों की सफाई होगी, इसको आप सब कुछ इसमें लिख सकते हैं। लेकिन फिर भी हम इसको एक बार इसकी पढ़ लेते हैं। इसको दीपावली, दीपावली हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। दीपावली को प्रकाश का त्यौहार भी कहा जाता है। यह त्यौहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। दीपावली का अर्थ है दीपों की अवली या पंक्ति। दीपावली के दिन चारों ओर दीपों का प्रकाश दिखाई देता है। हिंदू लोग मानते हैं कि इसी दिन श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके रावण आदि राक्षसों को मारकर अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ अयोध्या लौटे थे। उनके लौटने की खुशी में अयोध्या वासियों ने अपने घरों पर दीपक जलाए थे। दीपावली के कुछ दिन पूर्व से ही लोग अपने घरों और दुकानों की सफाई करने लगते हैं। दीपावली के दिन बाजारों में खूब रौनक होती है। पटाखों, मोमबत्तियों और मिठाई की दुकानों पर भारी भीड़ होती है। लोग रात में लक्ष्मी पूजन करते हैं, घरों पर दीपक जलाते हैं, अपने मित्रों मिठाई बांटते हैं और बच्चे पटाखे चलाते हैं। मुझे दीपावली का त्यौहार सबसे अच्छा लगता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारी पाठ, दीपावली निबंध की रिवीजन हो गई। शेष जो होगा उसको हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। आपका दिन शुभमय हो।